नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड 2019 में आप किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। यह एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर एमएस वर्ड के सभी प्रकार के फॉर्मेट्स जैसे कि ऑटो टेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, कवर पेजेस, टेबल, इक्वेशंस इत्यादि के फॉर्मेट्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। इन सभी फॉर्मेट्स को आप अपने हिसाब से एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाकर क्विक पार्ट गैलरी में सेव करते हैं तो वह भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को भी आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर आपको एक्सप्लोर क्विक पार्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको सभी फॉर्मेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपके टेबल्स हों, चाहे वो आपके इक्वेशंस हों, सिम्बल्स हों, वाटर मार्क्स हों या फिर आपके हेडर एंड फुटर्स हों। तो इनमें से आप इन सभी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली आप यहाँ पर एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कवर पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कवर पेजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से किसी भी कवर पेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने इस वाले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट बटन पर क्लिक किया। जैसे हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा वो फॉर्मेट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया और इसके बाद यहाँ पर हम इसका टाइटल ऐड करके इस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने टाइटल में टाइप कर दिया एक्सेल इन्फोटेक। एक्सेल इन्फोटेक लिखने के बाद इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडमिन। एडमिन में आप जो भी ऑथर का नाम देना चाहें वो एडिट कर सकते हैं, कोई कंपनी का नाम अगर देना चाहें वो एडिट कर सकते हैं और अपनी कंपनी का एड्रेस देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस कवर पेज का यूज़ कर सकते हैं। यही फीचर आपको इंसर्ट टैब में यहाँ पर दिखाई देगा। इस कवर पेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिखाई देंगे। इन फॉर्मेट्स का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको और ज़्यादा फॉर्मेट चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसी ऑप्शन पर जा करके यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कवर पेजेस मिलेंगे, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इक्वेशंस की तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इक्वेशंस नज़र आ रहे हैं, इनमें से आप कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सब कुछ डिलीट कर दिया और इसके बाद हम चले जाते हैं वापस से उसी ऑप्शन पर और यहाँ नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर इक्वेशंस। इसमें से कोई भी इक्वेशन आप सेलेक्ट करके जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आपका वो इक्वेशन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें एडिट करके इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम वापस से इसी ऑप्शन पर जाते हैं और उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पर हेडर और फुटर भी दिखाई देगा, आप इसका भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर टेबल्स भी दिखाई देंगी, जिसमें से आप किसी भी टेबल फॉर्मेट को सिलेक्ट करके उसको भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने इस वाली टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं, एडिट प्रॉपर्टी का और डिलीट का। आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आपका ये डेटा डिलीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये दिखाई नहीं देगा। और एडिट प्रॉपर्टी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी के साथ वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे गैलरीज में यहाँ पर हमने फॉर्मेट दिया हुआ है टेबल्स का, कैटेगरी में हमने बिल्डिंग दिया हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से मान लीजिए हमने इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करके इंसर्ट किया, इंसर्ट करते ही आपके सामने टेबल का फॉर्मेट इंसर्ट हो गया। आप इसको एडिट करके यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट टैब में अगर आप जाएंगे तो यही सभी टेबल के फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्विक टेबल्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आपको दिखाई देंगे। आप इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेट्स चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इसी जगह पर और भी एक्स्ट्रा फॉर्मेट्स दिखाई देंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज़ करना चाहते हैं या फिर हमने कोई स्टोरी लिखी है आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हेलो के नाम से हमने यहाँ पर एक ऑटो टेक्स्ट तैयार किया हुआ है, जिसको भी आप जब चाहें तब इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो हमारी स्टोरी इंसर्ट हो गई। हम इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देते हैं और फ्रेशली आपको इंसर्ट करके दिखाते हैं।
यही फीचर आपको देखना है तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमने ये हेलो के नाम से स्टोरी लिखी है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वह स्टोरी यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। सेम एज इट इज़, इसी तरीके से आप इस फीचर पर जा करके भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो वही सेम डाटा आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी फॉर्मेट्स हैं जो कि हमारे एमएस वर्ड हमें रिप्रेजेंट करते हैं, कि आप इन फीचर का यूज़ करके इसमें एडिटिंग करके अपना कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, तो उसका सभी फॉर्मेट आपको एक जगह पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी फॉर्मेट्स दिखाई देंगे, फिर चाहे वो आपका वाटरमार्क क्यों ना हो। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दिखाई देंगे, ये सभी टेक्स्ट बॉक्सेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वाटरमार्क भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन वाटरमार्क का भी आप अपने हिसाब से एडिट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और वाटरमार्क अगर आप देखेंगे तो आपको जाना होगा डिज़ाइन टैब के अंदर और यहाँ पर आपको वाटरमार्क दिखाई देगा जिसमें आपको सिर्फ चार फॉर्मेट दिए हुए हैं वाटरमार्क्स के। इसके अलावा इसमें आप एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग भी कर सकते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जा करके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप वहाँ से वाटरमार्क को इंसर्ट करके उसमें भी आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस को आपको जा करके ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह से उन सभी फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं। यही ऑप्शन है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।